नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पपीते के साथ ना खाएं कभी भी ये तीन चीजें, नहीं तो आपका शरीर पड़ सकता है बहुत ही ज्यादा बीमार। दोस्तों, पपीते का सेवन कई चीजों के साथ नहीं करना चाहिए, ऐसा करना आपकी सेहत के लिए घातक हो सकता है। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि आपने पपीते का सेवन किन किन चीजों के साथ नहीं खाना है और यदि खाते हैं तो आपके शरीर में क्या परिणाम हो सकता है। दोस्तों, पपीता जो है वो एक ऐसा फल होता है जो हर सीजन में आपको बाजार में आसानी से मिल जाता है। खास बात ये है कि पपीता ना केवल पका हुआ बल्कि ये कच्चा भी आप खा सकते हैं। इसे ना केवल आप फल के रूप में बल्कि अचार बनाकर खा सकते हैं, इसका सब्जी बनाकर खा सकते हैं। ये स्वाद में बेहतरीन होता है, साथ में ये कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। पपीते में दोस्तों विटामिन ए होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन बी, डी, प्रोटीन, ये सभी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हमें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका हमने पपीते के साथ सेवन नहीं करना होता है। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनको आपने पपीते के साथ हरगिज भी नहीं खाना है। जैसा कि दोस्तों आप दही खा रहे हैं तो आपने पपीते का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है दही के साथ। पपीता और दही एक साथ या फिर पपीता खाने के कुछ घंटे के बाद तक आपने दही नहीं खानी है। ऐसा इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि इन दोनों चीजों की जो तासीर होती है वो अलग अलग होती है। पपीते की तासीर गर्म होती है जबकि दही की तासीर ठंडी होती है, इसी वजह से इन दोनों को एक साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए। यदि आप पपीते के साथ दही खा लेते हैं या एकदम जस्ट बाद एक दूसरे चीज को खा लेते हैं तो वो आपको नुकसान करेगी। अगर आप इन्हें ऐसे ही खाते रहेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। जब भी आप पपीते को खाएं या दही को खाएं तो इनके बीच कम से कम 2-3 घंटे का अंतराल जरूर रखें। दूसरी चीज है नींबू। नींबू भी दोस्तों आपने कभी भी पपीते के साथ नहीं खाना है या एकदम पपीता खाकर नींबू का सेवन नहीं करना है। पपीते के साथ या फिर पपीता खाने के बाद नींबू का सेवन करने से एनीमिया की संभावना बढ़ जाती है, आपके अंदर खून की कमी हो सकती है, इसलिए इन दोनों को एक साथ कभी नहीं खाएं, इस बात का ध्यान रखें। संतरा भी आपको नहीं खाना है पपीते के साथ या पपीता खाने के बाद। पपीता खाने के बाद या फिर उसके साथ जो खट्टी चीजों का सेवन कर लेते हैं तो वो हानिकारक होता है हमारी बॉडी के लिए। संतरा स्वाद में खट्टा होता है, ऐसे में पपीते के साथ या फिर एकदम से पपीता खाने के बाद संतरा खा लेते हैं तो आपको सेहत संबंधी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके पेट में एसिडिटी हो सकती है, आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है और पाचन तंत्र अगर आपका बिगड़ गया, खाया पिया नहीं पचेगा तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको कितनी बीमारियां घेर लेंगी। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, आप भी आज से इन बातों का ध्यान जरूर रखें, किन चीजों को एक साथ खाना है, किन चीजों को नहीं खाना है, इस बात का एकदम ख्याल रखें, तभी आप स्वस्थ हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।